धर्म का निर्णय ये देखकर नहीं किया जा सकता कि किसको कितना और क्या त्यागना पड़ रहा, इसलिए मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा ही नहीं। धर्म तो समस्त अवस्थाओं, बड़े छोटे सबके लिए एक ही होता है। यह आपने सत्य कहा गुरुदेव, परंतु आपने गुरुकुल में एक बार कहा था कि धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है, जिसे पत्थर की भांति जहां रख दिया वहां रुक गया। धर्म तो एक जीवित प्राणी की भांति हर पल हर घड़ी एक नई श्वास लेता है, उसके चरण समय के साथ आगे चलते हैं। उस युक्ति से तो किसी विशेष परिस्थिति में एक मानव का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, उसे क्या त्यागना चाहिए, क्या रखना चाहिए, इसका ठीक निर्णय तो उसकी अपनी आत्मा ही कर सकती है। जिस दिन श्री राम थक जाएंगे, उस दिन सूर्य और चंद्र भी थक जाएंगे। जिस प्रकार सारे लोग, सारी धरतियां आकाश में स्थित हैं, उसी प्रकार सारे संसार की गतियां और शक्तियां आप में स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश संकीर्ण नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपकी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री पुत्र मित्र यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग नहीं कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है।